दोस्तों, क्या आप लोग भी इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हैं? क्या आप लोग भी रिवोल्ट आरवी 400 को लेना चाहते हैं या फिर रिवोल्ट आरवी 400 BRZ को लेना चाहते हैं? अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पेट्रोल से मूव होंगे इलेक्ट्रिक बाइक पे, तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब हम इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होते हैं तो हमें ढेर सारे फायदे भी होते हैं और ढेर सारे नुकसान भी होते हैं। आज इस वीडियो में रिवोल्ट आरवी 400 की हर निगेटिव बातें मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ये बाइक सच में लेनी चाहिए। कहीं ये बाइक लेके हम लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं? कहीं इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होने के बाद हमें पछताना तो नहीं पड़ेगा? सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर मैं इस वीडियो को लेके आ चुका हूँ। कमेंट में एक लोग ये बताए थे कि वो पेट्रोल बाइक से मूव होना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पे, उनके लिए भी ये वीडियो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल में। इस बाइक को लिए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, ये 3रा महीना है। दोस्तों, इस बाइक की कीमत मार्केट में लगभग 1,52,000 रुपये है और एक्स्ट्रा खर्च मिला के आपको उससे भी ज़्यादा चला जाता है। 1,52,000 में हमें ओनली बाइक मिलती है, बाइक की बैटरी मिलती है और बाइक का चार्जर मिलता है। साथ में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, आइए आपको बताता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि ये हमारी बाइक है और इस बाइक के ऊपर मैंने अपने चैनल का लोगो लगवा रखा है, कस्टमाइज लोगो हमने करवाया है। तो इस बाइक में सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाइक एकदम हल्की है और यही इस बाइक की कमजोरी भी है। 1,50,000 रुपये में आप इतनी हल्की बाइक ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो भी हैं सब फाइबर बॉडी है, प्लास्टिक वाला। तो ये सारी चीज़ें जो भी इसका बॉडी पार्ट है मेटल नहीं है, फाइबर बॉडी है। यहाँ तक कि ये ऊपर भी आपको जो बैटरी के ऊपर ये कवर मिलता है, जिसको पेट्रोल बाइक में यहाँ पर टैंकी होता है, तो ये भी आपको प्लास्टिक बॉडी ही मिलता है। साथ ही साथ स्विचेज और एक्सीलेटर, ब्रेक, ये सारी चीज़ें तो अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। मिरर भी लगभग ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, इसका हैंडल काफ़ी कमज़ोर दिखता है, देखने में कमज़ोर है, बाकी मजबूती कैसी है वो तो अभी हम नहीं जांच पाए हैं, लेकिन कई सारी वीडियोस में देखने के बाद ये पता चला है कि बाइक अगर एक बार भी गिरी तो ये हैंडल टेढ़ा हो जाता है। तो ये थोड़ी कमज़ोरी हमें इस बाइक की है, देखने में ही समझ में आता है कि ये काफ़ी कमज़ोर है। हेलमेट, इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छा है, सस्पेंशन में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो मोटर गार्ड है ये काफ़ी छोटा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ इधर से निकलता है। आप देख सकते हैं कीचड़ कितना लगा हुआ है। जब भी आप बाइक चलाएंगे तो आप ये श्योर हो जाइए कि कीचड़ से आपके पैर गीले होने वाले हैं। आप देख सकते हैं इधर पूरा कीचड़ लगा हुआ है और यहाँ हम पैर रखते हैं तो इधर से कीचड़ फेंकता है और इधर से होते हुए सीधे पैर पे जाता है। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है रिवोल्ट आरवी 400 का, 400 BRZ जो भी ले ले, रिवोल्ट की बाइक का यही एक मॉडल आती है और बाकी उसमें फीचर्स अलग भले होते हैं, बॉडी का डिजाइन और सब कुछ यही रहता है। तो अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बारिश में आगे से कीचड़ फेंकेगा, साथ ही साथ पीछे से भी, क्योंकि पीछे से टायर गार्ड आपको नहीं मिलता है। बाकी स्पोर्ट्स लुक तो दे दिया है हैवी रिवोल्ट वालों ने, लेकिन अदर गाड़ियों में, स्पोर्ट्स गाड़ियों में जो भी स्पोर्ट्स लुक की गाड़ियाँ आती हैं उसमें यहाँ पे आपको देखे होंगे यहाँ से टायर गार्ड आता है, और इसमें कोई टायर गार्ड नहीं आता है। इसकी वजह से सीधा कीचड़ ऐसे आके ऐसे फेंकते हुए, आप देख सकते हैं इधर से पूरा फेंकते हुए, इधर से आपका जो भी बैठा है या फिर आपके पीछे के साइड में आप अगर बैठे हैं तो आपके पीछे के साइड में पूरा कीचड़ लगते जाएगा और आप एकदम मतलब रद्द हो जाएंगे। तो समझ लीजिए कि अगर आप रिवोल्ट बाइक चला रहे हैं और आप पानी में जा रहे हैं या कीचड़ में जा रहे हैं या आपका घर गांव में है या ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आपकी हालत एकदम ख़राब हो जाने वाली है। तो ये बहुत बड़ी कमी है। अगर रिवोल्ट वालों ने इतनी सुंदर बाइक बनाई है तो कुछ और चेंजिंग करके इस चीज़ों को पूरा करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, इसका टायर गार्ड आता है, लेकिन आप अगर अलग से ख़रीद के लगवाएंगे तो आप 1,50,000 की बाइक भी ख़रीदिए और एक छोटा सा टायर गार्ड आप अलग से ख़रीद के लगाइए, वो भी 800 के आसपास का मिलता है और एकदम छोटा सा कंपनी का टायर गार्ड, तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए ज़्यादातर रिवोल्ट वाले लोग टायर गार्ड नहीं लगवाते हैं क्योंकि वो वैल्यू ऑफ मनी नहीं होता है। तो आगे से भी कीचड़, पीछे से भी कीचड़, अगर कीचड़ से स्वागत करवाना है तो आप इस बाइक को पानी में और कीचड़ में आराम से ऑफरोडिंग करके चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो इसकी डिज़ाइन की बातें हो गई, इसकी बॉडी पार्ट्स की बातें हो गई, जो देखने में तो काफ़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगती है बाइक, लेकिन कहीं ना कहीं यूज करने में हमें काफ़ी परेशानियाँ आती हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये इतना ऊपर तक है और इतना स्पेस, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस है इसके और इसके बीच में, इतना स्पेस,
कीचड़ एकदम उछालते हुए पूरा हालत ख़राब कर देती है बाइक। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी बैटरी पे। तो हम यहाँ से इसका की निकालेंगे और इधर अगर हम की डालते हैं तो हमारी इधर की लगाते हैं तो हमारी बैटरी के लिए ये जो कवर है वो अनलॉक हो जाता है। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो डिक्की की तरह आप इसे यूज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कुछ सामान रखा है यहाँ पे, साइड कर देता हूँ। गाड़ी का पेपर वगैरह हमने इसी में ही रख गाड़ी का पेपर वगैरह हम इसी में रखते हैं। तो एक छोटा सा ट्रे मिल जाता है जिसमें आप कुछ सामान भी रख सकते हैं। देख सकते हैं ये है दोस्तों वो ट्रे जिसमें आप कुछ सामान भी रख सकते हैं। और ये रही हमारी बैटरी। तो यहाँ MCB है, हम MCB की क्वालिटी देख सकते हैं, हिलता है। तो ये प्रॉपर एग्जैक्ट सेट नहीं है, सेट तो बहुत अच्छा है लेकिन हिलता रहता है। तो इससे समझ में आता है कि बहुत अच्छे से इसकी पैकिंग नहीं है। तो MCB को डाउन करना होता है, उसके बाद यहाँ से अनलॉक करके इसको निकालने के बाद, केबल निकालने के बाद बैटरी को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे हमें की लगाना पड़ेगा। अगर हम चाबी लगाते हैं, चाबी लगा कर अनलॉक करके बैटरी निकाल सकते हैं। तो अभी हमें बैटरी निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको मैंने बैटरी दिखाया, वहाँ से बैटरी निकल जाती है, रिमूव हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक बाइक में यही एक इलेक्ट्रिक बाइक है जिसमें हम बैटरी निकाल के कहीं भी ले जाकर चार्ज कर सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है इस बाइक का। लेकिन इसकी निगेटिव पॉइंट ये है कि उसके वजह से इस बाइक के काफ़ी रेट बढ़ जाते हैं। और कंपनी क्लेम करती है कि इसकी बैटरी 100% चार्ज होने में 3.5 घंटे से 4 घंटे लगते हैं। लेकिन नहीं, मैं इसकी बैटरी को चार्ज किया हूं और कई बार मुझे 4.5 घंटे 5 घंटे लग गए हैं। और एक हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर ने ये बोला था कि 50% बैटरी होने के बाद इसका कैसा परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आपको अभी बता देता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि 50% से नीचे होने के बाद भी स्पीड में कोई कमी नहीं आती है, पावर में कोई कमी नहीं आती है, सेम रहता है। इसकी कमी कब आती है? जब 18-15% से नीचे होता है बैटरी। जब 15% से नीचे होता है ना दोस्तों, तो एक होता है ना, एक्सीलेटर लेने के बाद भी उतना स्पीड नहीं पकड़ पाती है। और जो पहले इसका पावर होता है चार्ज रहती है, तो जैसे ही एक्सीलेटर लो सूं भागती है। लेकिन 15% से जब नीचे बैटरी आती है तो वो वाला इसके अंदर फील नहीं रह जाता है, उसके बाद ये रिक्शा बन जाती है। अगर 4.5-5 घंटे चार्ज करके भी आप बाइक को चलाना चाहते हैं तो उसके बाद भी बात आती है कि 100% चार्ज होने पे चलती कितना है। तो दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इस बाइक को मैं जितना भी यूज किया हूँ अब तक, मैं लगभग 1800 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो इस बाइक को 100% चार्ज करने के बाद मैं कंटिन्यू राइड तो अभी तक नहीं किया हूँ, कंटिन्यू राइड जिससे कि मेरा पूरा पता चल सके कि 100% बैटरी ख़त्म होते होते ये कितना चल रही है। लेकिन एवरेज एक अंदाजे मैं लगाऊँ तो लगभग 108 किलोमीटर 10 किलोमीटर ही मैं इसका अंदाज़ा लगा पाया हूँ कि 100% चार्ज में ये चल रही है। दोस्तों अब इसमें बात यह आ जाती है कि 100% चार्ज करके कंटिन्यू हम स्टार्ट करते हैं बाइक को और 0% ख़त्म होने तक ले जाते हैं तो कितना चलती है। अगर वो वीडियो देख रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब तक जो मैं चलाया, कभी 20 किलोमीटर फिर 10 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर फिर अगले दिन 10 किलोमीटर इस तरह से करके मैं चलाया हूँ, तो एक बार चार्ज करने पर मेरी गाड़ी 108-10 किलोमीटर गई है। इस चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ। और हो सकता है कंटिन्यू अगर हम राइड करें तो 140 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाती हो। और हाँ दोस्तों आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, रिवोल्ट RV 400 अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि 100% चार्ज पे 150 किलोमीटर जाएगी रिवोल्ट RV 400। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा झूठ है और फ्रॉड है, आप खुद देख लीजिए। मैं आया, ये इसका मीटर है, मैं स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं अभी अगर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है तो आप लोग देख सकते हैं बाइक 93% चार्ज है, दिखा रहा है कि 130 किलोमीटर चल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बाइक 100% चार्ज होने के बाद 140 किलोमीटर ही यहाँ से होता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा झूठ तो यही है, कंपनी अपने वेबसाइट पे मेंशन करती है और अपने हर ऐड में मेंशन करती है कि 1 चार्ज में 150 किलोमीटर आप चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप बाइक परचेज करते हैं, की लगाते हैं और ऑन करते हैं तो मीटर में शो करता है कि 100% पे आप बाइक को ओनली 140 किलोमीटर ही चला सकते हैं। उसके बाद भी कंटिन्यू राइड तो अभी मैंने नहीं किया, लेकिन ब्रेक कर करके आज 10-20 किलोमीटर चलाया, कल 10-20 किलोमीटर, इस तरह से मैंने 100% ख़त्म किया। तो बाइक 108 से 10 किलोमीटर में 0% चार्ज पे हो गई थी।
मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इस बाइक को चलाने के बाद हम जो 45 की स्पीड ये शो करती है इको मोड पे, तो 45 में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये 45 की स्पीड नहीं है और कम चल रही है, मीटर में 45 शो कर रहा है। और सिटी मोड में दिखाता है 65 की स्पीड, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 55-60 की स्पीड में चल रही है और 65 शो करता है। तो जो भी रिवोल्ट बाइक यूज कर रहे हैं, अगर उनको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका भी हम टेस्टिंग करेंगे दोस्तों किसी दिन, और वो भी वीडियो अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इसके मीटर के अकॉर्डिंग और इसके कहने के, रिवोल्ट के कहने के अकॉर्डिंग, सिटी मोड में 65 की स्पीड, इको मोड में 45 की स्पीड, स्पोर्ट मोड में 85 की स्पीड कंपनी कहती है, और उससे ज़्यादा ये चल जाती है ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको वीडियो और स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रहा हूँ, जिसमें मैं इको मोड में 50 तक लेके गया हूँ, सिटी मोड में 70 तक, और स्पोर्ट मोड में 95 तक इस बाइक को मैं लेके जा चुका हूँ। तो स्पीड की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में विचार आ ही गया है कि आप रिवोल्ट बाइक लेंगे, तो ये सारी बातें थी जो इसकी निगेटिव बातें थी। दोस्तों, अगर अब भी आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं इस बाइक को ख़रीदने के बाद काफ़ी खुश हूं, और मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है पेट्रोल बाइक से छुटकारा मिलने के बाद, क्योंकि पेट्रोल बाइक में पेट्रोल डलवाने का टेंशन, दूसरा चीज़ की उसकी मेंटेनेंस का टेंशन, इसमें मेंटेनेंस जीरो है, कुछ भी नहीं आता है, और साथ ही साथ पेट्रोल का भी टेंशन नहीं है, चार्ज करते हैं और घूमते हैं, चाहे जितना घूमें फिर घर पर ला के चार्ज कर देते हैं, तो काफ़ी टेंशन फ्री रहते हैं इस बाइक को लेने के बाद। और बाकी मुझे बस एक ही चीज़ खलती है कि पैसा हमने काफ़ी ज़्यादा इस बाइक में लगा दिया, क्योंकि अब उतना पैसा लेने के बाद भी बाइक 150 किलोमीटर कंपनी बोलती है, उतना भी ना चले तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है। बाकी हर चीज़ इस बाइक का अच्छा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे का वीडियो देखने के लिए, क्योंकि सिटी मोड, स्पोर्ट मोड और इको मोड में मैं फुल राइडिंग का वीडियो लेके आने वाला हूँ, 100% बैटरी से लेके 0% होने तक का। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये बाइक कितनी चलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।